नमस्कार, मैं सोनल और आज मैं आपको इतना टेस्टी और ज़बरदस्त सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले सफ़ेद प्याज और हरी शिमला मिर्च को बारीक काट लीजिए और थोड़ा बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न ले लीजिए और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें थोड़ा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल लीजिए और उन्हें भी अच्छे से मिला लीजिए। अब दो ब्रेड स्लाइस ले लीजिए और चीज़ लेना है। ब्रेड की एक स्लाइस पर अच्छे से तंदूरी मेयोनीज लगा लीजिए, कॉर्नर्स अच्छे से कवर कीजिएगा और दूसरी स्लाइस पर धनिया और पुदीने की चटनी लगानी है। देखिए, मैंने जो चटनी बनाई है वो काफी गाढ़ी है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर लगे कार्ड पर क्लिक कीजिए। चटनी को कॉर्नर्स तक अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और फिर इस पर एक चीज स्लाइस लगा लीजिए। अब दूसरी स्लाइस पर हमने जो स्टफिंग तैयार की है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सैंडविच को बंद कर दीजिए और इसी तरह से सारे सैंडविचेस तैयार कर लीजिए। इस रेसिपी में मैंने चेरी चीज का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो रेगुलर चीज स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। अब सैंडविचेस के ऊपर वाली साइड पर रूम टेम्परेचर गार्लिक बटर लगा लीजिए। सैंडविच को मैं नॉनस्टिक पैन में सेक रही हूँ, आप चाहे तो तवे पर सेक सकते हैं, ग्रिलर में सेक सकते हैं, सैंडविच मेकर में बना सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। जब पैन गर्म हो जाए तो बटर वाले साइड को नीचे की तरफ रखिए और ऊपर के साइड भी बटर स्प्रेड कर लीजिए। अब सैंडविच को दोनों तरफ से तब तक सेकना है जब तक वो गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए और बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए, अंदर से चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसलिए हम इसे कुछ देर ढककर भी पकाएंगे। अगर आपको चीज ज्यादा पसंद है तो आप इसमें दो चीज स्लाइसेस का इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए, मैंने जो सैंडविचेस सेके हैं उसका दोनों ही तरफ से कितना अच्छा कलर आया है। अब सभी सैंडविचेस को इसी तरह से सेक लीजिए। आप इस सैंडविच में सिर्फ मोजरेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे या तो नॉर्मल चीज स्लाइस पसंद है या फिर चेडर चीज और नॉर्मल चीज स्लाइस का कॉम्बिनेशन पसंद है, क्योंकि जैसे ही सैंडविच ठंडा हो जाएगा मोजरेला चीज भी ठंडी हो जाएगी और फिर सैंडविच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट अगर आप नॉर्मल चीज स्लाइस या कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो वो ठंडा होने के बाद भी जूसी ही रहता है। अब दोनों सैंडविचेस को बीच में से कट कर लीजिए और देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना। ये सैंडविचेस देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, आप बाहर के सैंडविचेस खाना बंद कर देंगे। और ऐसा क्यों ना हो, जब घर पे टेस्ट और हाइजीन दोनों मिल रहा है तो घर पे ही खाना चाहिए ना। सैंडविच बहुत ही टेस्टी है तो जल्दी से बना लो।